ही ज्यादा गर्मी है। आजकल बहुतों का मन आइसक्रीम खाने का कर रहा होगा। यम्मी यम। कुछ के घरों के पास तो गोले वाला भी आता होगा। या सो कलरफुल, काला खट्टा, ऑरेंज मैंगो, ब्लूइश ग्रीन। तो आज इसी से जुड़ी बात हम करेंगे टेस्ट की। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जैसे कि यू ऑल नो, फूड्स आर ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स। सम आर स्वीट लाइक आइसक्रीम, यम। सम टेस्ट्स आर जैसे कि टैमरिंड और इमली। सी, यहाँ इमली शरबत भी है, सो रिफ्रेशिंग। आ, सम फूड्स आर स्पाइसी लाइक रेड चिलीज, बट वी मेक सो मैनी फूड आइटम्स विद दीज चिलीज। जैसे कि चिली चटनी, नूडल्स, डम्पलिंग्स एंड आर कंट्रीज वेरी ओन गोलगप्पास, यम। सम फूड्स आर बिटर इन टेस्ट लाइक बिटर गोर्ड और करेला। अह, बट चिल्ड्रन, डू यू नो बिटर गोर्ड आर रिच इन वाइटमिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड सो मैनी न्यूट्रियंट्स। तो वी गॉट टू नो अबाउट वेरियस टेस्ट, स्वीट, सार, स्पाइसी, बिटर। तो बच्चों, हाउ डू वी गेट टू नो कि विच फूड इज स्वीट, सार, स्पाइसी, सॉल्टी, बिटर एंड सो ऑन? बिकॉज ऑफ आर टंग, द सेंस ऑर्गन इन आर बॉडी विच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग टेस्ट्स। सी, आर टंग हैज मिलियंस ऑफ टेस्ट बड्स विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ फूड। इट प्रोड्यूसेस सलाइवा विच प्रोड्यूसेस एंजाइम हेल्पिंग इन डिजेशन ऑफ फूड। चिल्ड्रन, डू यू नो फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रोटी, ब्रेड, राइस, पटेटोज गेट डिसॉल्व्ड इन आर माउथ बिकॉज ऑफ सलाइवा। सलाइवा के एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को पहले ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। सो हंगर और भूख क्या है? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हंगर? हंगर इज अ फीलिंग व्हेन आर बॉडी नीड्स फूड टू फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। पर इफ आर बॉडी डजंट गेट्स फूड ऑन टाइम, व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? वी विल गेट मूड स्विंग्स, है ना? सम ऑफ अस मे गेट एंग्री बिकॉज ऑफ हंगर पैंग्स। सम ऑफ अस माइट गेट लेजी। सम मे सफर हेडेक्स, वाइल स्मॉल चिल्ड्रन क्राइज अलॉट वेन दे फील हंग्री बिकॉज दे कांट टेल अस कि आई एम हंग्री। ऑल्सो देयर कम्स अ कंडीशन ऑफ सिकनेस वेन आर बॉडी डजेंट गेट इनफ वाटर। जब हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, आर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। सो whenever there is a person suffering from dehydration, ORS solution is given to the sick person. And serious condition पर glucose drip भी लगानी पड़ सकती है। So इसीलिए कहते हैं कि drink plenty of water. तो children, food and water should be taken in moderation. भूख causes hyperactivity, irritability, aggression and anxiety. भूख के कारण हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, बेवजह तनाव और निराशा होने लगती है। चिल्ड्रन, भूख के और भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं लाइक मल न्यूट्रिशन या कुपोषण। इंडिया की GDP ग्रोथ 50% से ज़्यादा होने के बाद भी हमारे देश में लाखों बच्चे भूख के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों की भुखमरी से मौत भी हो जाती है। इसीलिए विश्व की बहुत सी संस्थाएं हैं जिनमें WHO महत्वपूर्ण है। इस दिशा में WHO सुधार के कदम उठाती है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में जब तब में WHO फूड प्रोग्राम्स लाती है। भारत सरकार भी जब तब में कई योजनाएं लाई, जैसे कि अंत्योदय, राशन कार्ड एंड खेती के लिए भी रेवोल्यूशन शुरू किए, जैसे कि मिल्क रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन एंड तरह तरह की क्रांतियां। सो इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन को प्रॉपरली खाना मिल सके, इसीलिए इस तरह के रेवोल्यूशन लाए गए। सो चिल्ड्रन, यू नो नाउ कि भूख का निदान होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड बिना इसके निदान के, बिना खाए पिए हम कितनी जल्दी सफ़र करते हैं। सो चिल्ड्रन, टिल वी मीट द वीडियो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।